closest threshold. Closest 7 है ना, 7. ऑन कर दिया बटन, हाँ यस, क्या मतलब इसका? देखो जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो दो तरह से कन्वर्सेशन होता है, एक तो मैं आपसे डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मैं किसी दूसरे की बात आपको बता रहा हूँ, राइट? When I am directly talking to you, I am orating. क्या? I am orating. I am an orator. But when I am talking something else, a conversation or something else, then I am narrating. Seven? Yes, sir. 17 conversation. जब मैं किसी दूसरे का conversation कर रहा हूँ, दूसरे की बात बता रहा हूँ, वो narration. अब narration में भी दो part है. कौन सा? Direct. अगर किसी दूसरे की बात मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे उसने बोला है तो आई एम डायरेक्टली स्पीक, ये वो डायरेक्ट स्पीच हुआ. जैसे उसने कहा मैं कल कोचिंग नहीं जाऊंगा, तो अगर हम किसी तीसरे को बता रहा हूँ उसने कहा मैं कल कोचिंग नहीं जाऊंगा, तो डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ उसके वर्ड्स. लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने कहा वो कल कोचिंग नहीं आएगा, ठीक है, तो आई एम मॉडिफाइंग माई कन्वर्सेशन और उसकी बात को भी बताऊ और अपने टर्म्स में बता, दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ समवन एल्स बट इन माय वे, कुछ कुछ समझ आया? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, ठीक है,
जैसे आई गो होगा लेकिन ही गो तो नहीं होगा, ही गोज होगा। नेक्स्ट देखो, राम सेज, राम सेज आई वर्क हार्ड। ये आप जैसे लोग पढ़ते नहीं हो, दिवाली मनाते हैं क्या है, क्या है, जो
मी अगेन दैट अंडरस्टूड आई यू विल चेंज टू आई He tells me that I go far, that's it. Next. He says, Thank you.
थोड़ा रुक जाइए, एक सेंटेंस और रह गया, एक रूल और रह गया, ये करिए पहले, ठीक है, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, पहले ये करिए दूसरा, राइट ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास में द सन इज अ स्टार, ही सेड इनवर्टेड कॉमास में द सन इज अ स्टार। He said, I came here yesterday.
तो ही सेड दैट तो क्लियर है, हाँ तो क्लियर है. अब आई विल चेंज टू ही केम, केम का पास्ट परफेक्ट क्या होगा? गुड, चलो कम केम केम. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा? देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? कम या कम्स. तो पास्ट क्या होगा? केम. अब मुझे बनाना है फ्यूचर में विल कम होता है, अब मुझे पास्ट परफेक्ट बनाना है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? हैज कम. तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड केम. हैड केम हुआ, हैड कम हुआ, हैड कम हुआ. वाई हैड केम? क्यों दोनों को क्यों बनाना जब हैड से पता चल रहा है पास्ट का? ठीक है, तो क्या सेंटेंस है? अब दोबारा बोलिए. तो ही हैड कम. अब हेयर बोल रहा है, हेयर विल चेंज टू देयर. यस्टरडे विल चेंज टू द प्रीवियस डे. अब सही, अब सही. ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे. ठीक है, नाउ विल चेंज टू देयर, हेयर विल चेंज टू देयर. ठीक है, यस्टरडे विल चेंज टू टुमारो, विल चेंज टू कमिंग डे या द एडवांस डे. ठीक है, तीनों चल सकता है. क्लियर ये बात? लेकिन अगर यस्टरडे आज ट्यूजडे है और उसने ट्यूजडे की जगह मंडे बोल दिया, यस्टरडे नहीं बोला, तो मंडे ही रहेगा, तब यस्टरडे नहीं कर रहा है. राइट, नेक्स्ट. अच्छा, मैंने आपको इंटरोगेटिव क्वेश्चन पैसिव में करवाया था. इंटरोगेटिव पैसिव में नहीं करवाया था. ये करवा का सेंटेंस ही नहीं, तो फिर चेंज इसका पैक. ये कौन सा वॉइस है बताएंगे मेरे को? कौन सा वॉइस है ये? चल एक्टिव है, चेंज करो शिफ्ट ऐसे में. जब भी हम चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन की एक्टिव से पैसिव, तो नेवर